दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एजिंग टोकिडिया में, जिसमें हम बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीएजे एंड फ्रेट फॉरवर्डर का वर्क क्या है। दोस्तों सीएजे का वर्क होता है आपका जो भी गुड्स है उसका कस्टम का क्लियरेंस करना, डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो एक्सपोर्टर तक पहुंचाना, और वेसल कब है उसका टाइमिंग क्या है उसका कट ऑफ बताना, ये सीएजे का वर्क होता है। फ्रेट फॉरवर्डर का वर्क क्या है? कंटेनर की अरेंजमेंट करना, बिल ऑफ लेडिंग यानी कि बीएल जनरेट करना, शिपिंग बिल जनरेट करना, यानी कि बीएल और शिपिंग बिल ये मेन डॉक्यूमेंट्स है, इसके अगेंस्ट आपका इंपोर्टर गुड्स छुड़ा सकता है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में आपके बायर के पास नहीं होंगे तो गुड्स नहीं छुड़ा सकता है। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स है, इसमें मैं आगे भी बताऊंगा कि ये कब कैसे और पेमेंट टर्म्स इको टर्म्स सब कुछ में आएगा वो। तो दोस्तों कस्टम हाउस एजेंट मैंने आपको बताया दिया है, रिपीट दूसरी बार बता देता हूँ। कस्टम का क्लियरेंस करना, डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो एक्सपोर्टर तक पहुंचाना, वेसल का कट ऑफ, वेसल का भी उसका टाइमिंग क्या है, और इसके रिगार्डिंग आप अपने गुड्स पैकिंग की अरेंजमेंट कर सकते हो। फ्रेट फॉरवर्डर का कंटेनर अरेंजमेंट करना, बीएल और शिपिंग बिल जनरेट करना। तो दोस्तों आपका जो भी सीएचए फ्रेट फॉरवर्डर के रिगार्डिंग आपकी जो भी डाउट्स एंड क्वेरी थी, आई होप आपकी डाउट्स एंड क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। तो दोस्तों ऐसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। आप हमको इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी जोड़ सकते हैं, वहाँ से अपडेट जो भी अपडेट्स आती है मैं वहाँ पे अपडेट शेयर करता हूँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।